अभिनेता शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करके दी गई है। संतोष घोड़के नाम के इस पुलिस अधिकारी ने ये फोन रिसीव किया था, लैंडलाइन पर ये कॉल किया गया है और शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसके एवज में 50 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ऐसे में शाहरुख खान को धमकी देने वाले को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। ये हिरासत में लिया गया है रायपुर से, वहां पर फैजान नाम के शख्स को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 5 नवम्बर दोपहर 1:30 बजे के करीब ये धमकी जो है वो शाहरुख खान को दी गई है, जिसमें धमकी देने वाले ने कहा है कि शाहरुख खान मन्नत बैंडस्टैंड वाला, अगर मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं मार डालूंगा। पुलिस वाले ने जवाब में पूछा कि कौन बोल रहे हो, उसने जवाब दिया कि वो मैटर नहीं करता, लिखना है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिखो। ऐसे में शाहरुख खान को धमकी देने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई, FIR रजिस्टर करवाई गई और उसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो तुरंत ही छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचती है और वहां से फैजान नाम के शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है। फिलहाल आगे मामले की जांच की जाएगी कि इसके पीछे और कौन है, धमकी देने की और बड़ी वजह क्या हो सकती है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा पुख्ता है, उसके बाद इस तरह की धमकी के बाद भविष्य में कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा। धमकी के बावजूद शाहरुख को लेकर जो फैंस हैं उनके बीच प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है। लगातार आप देख सकते हैं कि मन्नत के बाहर भीड़ जो है वो फैंस की यहाँ पर मौजूद है और अपने अभिनेता के लिए ये जो लोग हैं वो केयर करते हैं। और सवाल ये उठता है कि शाहरुख की सिक्योरिटी को आगे क्या बढ़ाया जाएगा, आप लोग हमको बताएंगे। शाहरुख के फैन है आप लोग? आज फैन है। शाहरुख खान को धमकी मिली है, कितना वरिड करता है आपको कि आपके स्टार को धमकी दी गई है? मेरे को ये न्यूज के बारे में अभी तो मालूम नहीं है, बट एज ए सिटीजन किसी को भी धमकी मिलेगा तो इट्स ए वरिड थिंग। जी जी सर, क्या कहेंगे शाहरुख खान को धमकी मिली, कितना डराता है ये? मुझे नहीं लगता कि वो डर पाएंगे। जी उनके तो बहुत से सपोर्ट है। दुआ करते हैं कि आपके किंग खान फेवरेट है। जी जी जी, हम दुआ करते हैं कि हमारा स्टार अच्छा खासा रहे। शाहरुख खान को धमकी मिली है, क्या कहेंगे, कितना डर लगता है कि अपने स्टार को धमकी दी गई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए वाला ने। जी जी सर, क्या कहेंगे शाहरुख खान को धमकी मिली है? हमें ऐसी धमकियां तो मिलती रहेगी लेकिन स्टार स्टार होता है। जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि फैंस बहुत पॉजिटिव है इन चीजों को लेकर, लेकिन जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, आरोपी को हिरासत में लिया गया है। 5 नवंबर के दोपहर के करीब 1:30 बजे पुलिस स्टेशन में ये कॉल आया है। संतोष घोड़के नाम के अधिकारी हैं, उन्होंने लैंडलाइन रिसीव किया था और जिसके बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR रजिस्टर किया और आगे की जाँच को आगे बढ़ाया। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.